तेरे को एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ। मैं लगा के आया हेलमेट, पता है टोपी कहाँ डाला हुआ था? कोई गेस कर सकता है? आज है हमारे एकदम खास 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 मित्र का बर्थडे अभिलाष का, तो ओके नाइस थार। हमको भी थार चाहिए राय। कभी जीवन में हम अच्छा ऐसा मोटा पैसा कमाएंगे ना, उस दिन सबसे पहले पापा के लिए थार लेंगे। अनकट ब्लॉग्स, UNCUT ब्लॉग्स, ठीक है। जो देखो भाई जो देखो, वो मेरे से पूछता है भैया एग्जॉस्ट कब लग रहा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफिस के लिए, नहीं ऑफिस के लिए नहीं, अभी हम लोग ऑफिस से आ चुके हैं। आज है हमारे एकदम खास 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 मित्र का बर्थडे अभिलाष का, तो उसका फोन आया जस्ट मुझे कि चलो भाई चलते हैं कहीं करके। तो फिलहाल अभी हम लोग जाएंगे पल्लव के रूम और वहां से जाएंगे कुछ पार्टी करने के लिए। सो यस गाइस, आज का व्लॉग यहां से स्टार्ट हो रहा है। और वैसे तो मुझे कुछ कुछ काम है जो मैं वहां से आके जल्दी से करूंगा, अगर जल्दी आ गए तो, नहीं तो फिर प्लीज कल तक मत जा यार। और वो काम क्या है, वो एक्चुअली है वो जो हमें कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया ना ओवरऑल छत्तीसगढ़ वाला, तो उसका कुछ कुछ हमें वीडियो को कंप्लीट करना है। तो वीडियो तो कंप्लीटेड है, उसका पोस्टर बनाना है, BTS वीडियो, BTS पिक्चर्स एंड कुछ कुछ ऐसे काम है, तो उसको आज एनी हाउ कंप्लीट करना है, वरना मेरी मम्मी मुझे खा जाएगी, क्योंकि वो डेली डेली का बोल रही कि ये काम को कंप्लीट करो, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं जल्दी से यूनिफॉर्म को निकालता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ एंड फिर चलते हैं। तो गाइस, सबसे बड़ा दिक्कत तो यह है कि मैं कपड़े क्या पहनूं, क्योंकि ऐसे तो मैं पहन के नहीं निकलता, तो आज सोचा पहन के ट्राई किया जाए। तो मैं जूडियो से ये लेके आया था जब मम्मी के साथ गया था, और ये कल परसों ही संडे या मंडे को लेके आया था, तो ये एकदम नया, देखो अभी तक कैरी बैग से ही नहीं निकला, तो कंफ्यूज हूँ कि क्या पहन के जाऊँ। सिंपल टी शर्ट है, ये फुल टी शर्ट है, शर्ट है, तो कंफ्यूज हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ सिंपल लाइट सा टी शर्ट पहन के चला जाऊँ, लड़के ही तो जा रहे, क्या मतलब है। तो गाइस, ऐसा कुछ हम तैयार हो चुके हैं, ऐसा कुछ लग रहे हैं हम अपने ये इस कलर के टी शर्ट में, पर्पल बोलो तो लाइट पर्पल जो भी वॉट एवर। मेरे पास इस कलर का एक भी टी शर्ट नहीं था, तो मैं सोचा इसी कलर कर लूँ, तो मेरे को लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है। यस, थोड़ा यूनिक होना चाहिए, प्लेन टी शर्ट एंड ये कलर था ही नहीं भाई। तो चलो फिलहाल चलते हैं जल्दी से अभिलाष को बर्थडे विश करते हैं एंड पार्टी लेते हैं उससे। हे भगवान, बस अच्छे से आवाज आ जाए और किसी चीज का तो हमको दिक्कत ही नहीं है। तो गाइज, अभी फिलहाल हम लोग निकल गए हैं घर से। ओके नाइस थार, हमको भी थार चाहिए भाई। सब गाड़ी उधर ही जा रही क्या? नहीं जा रही गाइज, मेरा भी मन है पता है थार लूँ, वो भी पप्पा जी के लिए। पप्पा जी के लिए हमको थार लेना है। पापा तो बोल रहे थे ये गाड़ी को छोड़ो, कार को निकालो और थार ले लेते हैं, तो लेकिन फिर पापा खुद ही मना कर दिए कि नहीं नहीं लेते। देखते हैं, कभी जीवन में हम अच्छा ऐसा मोटा पैसा कमाएंगे ना, उस दिन सबसे पहले पापा के लिए थार लेंगे। पापा जी के लिए हमको थार लेना है, मतलब लेना है, हम नहीं जानते। हम भले कोई भी अपने मनपसंद की कार में चढ़े या ना चढ़े, लेकिन पापा जी को थार में ज़रूर चढ़ाएंगे, उनके लिए पर्सनल एक थार लेंगे आगे चल के ज़रूर। और ये बात तुम लिख के ले लो। आज मैं बहुत दिनों के बाद या फिर पहली बार इतना सोच रहा था कि मैं क्या कपड़ा पहनूँ, क्योंकि गाइस आजकल होता क्या है, यूजुअली मैं तो अपने ऑफिस के यूनिफॉर्म में रहता हूँ, तो जहाँ चले जाता हूँ उसी यूनिफॉर्म में, और ऐसे कभी लोअर टी शर्ट में निकल जाता हूँ। लेकिन आज भाई तुम्हारा बर्थडे में जा रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा तैयार होकर जा रहा है। जब जब मैं स्कूटी रखता हूँ उसमें रेनकोट रहता है, तो बारिश ही नहीं होती, और जब रेनकोट नहीं रहता है तो देखो ना, बारिश में भीगना पड़ जाता है यार अपने को। हाँ भाई, नहीं लगा है अभी, नहीं लगा है, लगाऊंगा उस दिन। नहीं लगाना नहीं चाहिए, आजकल पकड़ देते ना बिलासपुर पुलिस वाले, तो इस वजह से। हाँ ब्लॉगिंग करता हूँ यार। हाँ, अनकट ब्लॉग्स, UNCUT
व्लॉग्स। कितने बजे तक करते हो? 10-11 तक ना। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं कभी, सब्सक्राइब करना। तो भाई को एग्जॉस्ट का साउंड सुनना था भाई, और कितने लोगों को एग्जॉस्ट का साउंड सुनना है मैं तुम लोग को क्या बताऊँ। जो देखो भाई, जो देखो वो मेरे से पूछता है भैया एग्जॉस्ट कब लग रहा। लग ही रहा था, सिग्नल तोड़ के भागेगा, ये भी भाग गया, आप भी भाग जाओ। बस इतना के लिए वो दो लोग सिग्नल तोड़ के भाग गए। अलग ही लेवल के होशियार है भाई। जन्मदिन की बहुत बधाई मेरे को। ठीक है, एस आर के डैश डैश स्टार के जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको 12:16 में विश किए थे, स्टोरी डालना बस, भूल गए। रात को 12 हैप्पी बर्थडे बोलने वाले लड़के मोती सेना हीरो सेना से बरसे। मीम डाल दूंगा क्या? मैं एक्चुअली मैं किसी के में देखा डला, तो मैं तुरंत फिर इसको फोन किया कि हाय हैप्पी बर्थडे, और वो जो रिप्लाई दिया वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ठीक है बोल दिया तो बोल दिया, बर्थडे छोड़ देते बच्चे को। तो इस कन्वर्सेशन का हमारा आउटकम ये है। सब छोड़, टी शर्ट अच्छा नहीं लग रहा भाई, यूनिक कलर है भाई, नॉर्मल नहीं। नहीं, आपका सेट तो बैगन जैसे था, ये पूरा बैगन जैसे लग रहा है। इमोशनल डैमेज। थोड़ा सा ऐसे अंदर दबा के रखना पड़ता है, क्योंकि वो हवा हवा का भी साउंड आते हैं ना, भड़बड़ाने लगता है। तो तेरे को एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ, मैं लगा के आया हेलमेट, पता है टोपी कहाँ डाला हुआ था? कोई गेस कर सकता है? मैं कर सकता हूँ। मैं बता, वहाँ जहाँ सोच रहे हो वहाँ, उसको देख। ये पता है, ये सीक्रेट बात नहीं है, ये सीक्रेट बात है, सीक्रेट बात है, नहीं बताएंगे। सर सर सर, बिग फैन, व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग? मंगनी का जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर लिविंग। ओके, अरे भैया बिग फैन भाई, गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन बहुत शांत लग रही है। मंगनी की गाड़ी है, किससे मांगे हो? ऐसा ऐसा देखो भाई, हम गाड़ी में थे, हमको ओला में टिकाया गया है। अबे खुद ही बोल, दिखता बढ़िया है गाड़ी, मैं चला तो भी ऐसे दिखता है क्या? जल्दी हाँ, इस पे देख रहा, थोड़ा सा आगे ले ना, थोड़ा मतलब भगाना नहीं, थोड़ा सा आगे ले बोला। हाँ यार दिखता तो है। हीरो हो भैया, आप लोग हीरो भैया, वो भाई लोग भी वीडियो बना रहे, हम भी वीडियो बना रहे। देखो गाइस हमारे पास शेर है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, ये है अमर एनएस 130 ढाबा। मैं अपना बर्थडे पार्टी भी कुछ लोगों को यहीं दिया था, मेरे को बहुत टाइम बाद याद आया, पता है कि यहीं से दिया था, वो वाले अंदर वाले कैबिन में बैठ के मेरे ही देख के यहाँ आया था। अरे बाप रे, इससे डर लगता है, इससे डर लगता है। ओ भाई मेरा नाम पूछ पहले तू, रहने दे।
सबको याद होगा तो मैं अपने बर्थडे टाइम भी यहीं बस बैठे थे, मैं इधर बैठा था, हिमांशु भी आसपास, प्रवीण भी, अर्पित भी ऐसे बैठे थे। काफ़ी दिन बाद यहाँ वापस सारे का, वैसे टेस्ट अच्छा था, अब पता नहीं आज कैसा बनाएंगे। कैसा ब्रो, क्या उम्मीद है जगह के हिसाब से? A few moments later. तो गाइस हमारा खाना हो गया भाई, मेरा कितना भरा है तुम लोग को बताऊँ, गले से थोड़ा नीचे तक है, और थोड़ा सा खा लेता ना तो ख़त्म हो जाता, मिश्री खा के, मिश्री और सौंफ खा के और थोड़ा ऊपर आ गया। लेकिन ठीक है, खाना अच्छा बना था, काफ़ी टाइम लग गया ऑर्डर में, क्योंकि भाई कितने लोग थे हम लोग, 10-11-12-13 लोग थे, तो भाई उस हिसाब से ऑर्डर तो लेट हो गई। बाकी हमारी ड्यूटी रखी है, और ये वही रोड है गाइस जिसमें हम लोग कुछ दिनों पहले मैं आया था ऐसे पहला राइड लेने के लिए, और उस टाइम तो गाड़ी की फर्स्ट सर्विस नहीं हुई थी। तो गाइस ये वाले हाईवे में आएंगे कुछ दिनों के बाद वापस से ड्राइव पे, जो हमारा पिछले बार कर रहा था अनपुर वाला रह गया था, और जल्दी से करेंगे। फिलहाल चलते हैं भाई, पेट तो एकदम भरा हुआ है, गाड़ी कैसे चलेगा। अरे एक्चुअली गाय को ठोकर मार के चले गए तो रुके हुए हैं, हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत हो, सब चीज़ ठीक रहे। गाइस हम लोग निकल चुके हैं वापस घर के लिए, और यस बीच में एक एक्सीडेंट हो गया था, गाय ठोक गई थी, तो उसको हमारे दोस्त लोग साइड कर रहे थे, और जिसने किया उसको तो छोड़ दिए, अब क्या ही बोलोगे आप, एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़ा समझा है। हालांकि कुछ हमारे ग्रुप में थे, थोड़ा सा टेंपर हाई हो गया था उनका, नॉर्मल सी बात है भाई, थोड़ा सा देख के चलाना चाहिए, लेकिन कोई भी जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता, हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम थोड़ा सा समझा के उनको भेज दिए, गाय को साइड कर दिए रोड में, कि और उसके वजह से कुछ हो ना। बाकी हम लोग चल रहे अभी घर, काफ़ी लेट हो चुका है मुझे तो, और घर जाके मेरे को काम था, देखता हूँ अगर समय मिला तो काम को ज़रूर कंप्लीट करके सोऊंगा मैं, वरना तो ये भी आज का वीडियो शायद लग रहा है कि आज टाइम पे आ पाएगा। गाइस आप लोग भी गाड़ी थोड़ा देख कर चलाया करो, खासकर हाईवे पे, आजकल आप लोग को तो पता है गाय नॉर्मली बैठे ही रहते किसी भी रोड पे, तो चलाओ तो थोड़ा ध्यान से, और अगर आपके यहाँ गाय है तो उनके गले में रेडियम पट्टी या कुछ भी गाइस लगवा दो, क्योंकि भाई कई बार होता है, मैं मानता हूँ कि राइडर्स की भी कई बार गलती नहीं होती है, अचानक से सामने से आ जाता है, अंधेरा रहता है आजकल तो, हर रास्ते में ऐसा लाइट भी नहीं है, और जानवर है उनको पता ही नहीं है कहाँ पर बैठना चाहिए कहाँ पर नहीं, तो हम अपने साइड से जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं वो ज़रूर लेना चाहिए। मेरे को काफ़ी बुरा लग रहा है उस गाय के लिए, बाकी हम लोग जितना कर सकते थे उतना वहाँ पर से किए, एंड यस अभी चलते हैं घर, और ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलना चाहता, मिलते किसी और व्लॉग के साथ किसी और दिन, तब तक के लिए दिस इज़ मी करण सिंह साइनिंग ऑफ, एंड यू आर वॉचिंग अनकट व्लॉग्स।